Are you an MBA aspirant and looking for every single information related to MBA? So what are you waiting for? Subscribe to the channel now and press the bell icon right next to it. Hey, what's up everybody? This is Darshi Khan and welcome to another episode of MBA with Darshi Khan, where I'm going to talk about that what after CAT results. Yes, you must have so many questions in your mind. Finally, kahin na kahin students kaafi time se wait kar rahe the CAT ke exam ke baad. बहुत सारी डिफरेंट साइट्स डिफरेंट रिजल्ट्स क्लेम कर रही थी, बट वो कहीं ना कहीं फाइनली आ गया है. मेरा 40 परसेंटाइल है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 है या फिर 99 है. अब रिजल्ट के बाद व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट इज यू हैव टू shortlist 4 to 5 colleges as per your percentile and your profile. अब आप कहोगे कैसे shortlist करें colleges? So again, अगर आपके tier 1 colleges हैं तो आपको बहुत ज़्यादा reality check की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, but अगर आप tier 2 colleges या फिर अगर आपका CAT में 75 से नीचे का percentile है या फिर कहीं ना कहीं 80 से नीचे का percentile है, then reality check बहुत important है, because what college claim and what is in real is a difference. जैसे अभी मैं एक recent student से बात कर रही थी. He asked me a college, right? जिसका नाम है तक्षशिला बिजनेस स्कूल जयपुर में, जिसका एवरेज पैकेज 12 लाख रुपए है. तो ही सेइंग कि इज इट गुड टू अप्लाई? तो मेरा कहना है कि जो कॉलेज 12 लाख एवरेज पैकेज क्लेम कर रहा है, क्या सही में उसका एवरेज पैकेज 12 लाख है? मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है. दिस इज जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल कि ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो क्लेम करते हैं और रियल में पैकेजेस जो है वो कहीं ना कहीं उतने नहीं होते हैं. तो आपको रियलिटी चेक करना जरूरी है कि जो 4-5 कॉलेजेस हैं वो आपकी प्रोफाइल के हिसाब से कितना है, क्या आरओआई दे रहे हैं, मार्केटिंग के लिए अच्छे हैं या फिर फाइनेंस के लिए अच्छे हुए हैं. बिकॉज यू नो लास्ट टू लास्ट ईयर अ स्टूडेंट एनरोल्ड टू अ कॉलेज इन दिल्ली एनसीआर बिकॉज ही ऑलवेज वॉन्टेड टू गो फॉर फाइनेंस, बट कॉलेज में जाने के बाद ही स्विच्ड हिज स्पेशलाइजेशन टू मार्केटिंग बिकॉज फाइनेंस में वहाँ पे क्रेडिट कार्ड बेचने वाली कंपनीज आती थी. तो दैट व्हाट आई एम सेइंग कि स्पेशलाइजेशन के हिसाब से कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करना. यू डोंट हैव टू वरी अगर आप नहीं डिसाइड कर पाए हो. मैंने चैनल पे हर एक वीडियो बनाया है राइट फ्रॉम 60 to 70 परसेंटाइल, बट 60 to 70, 72 to 80 में जितने भी कॉलेजेस है दे आर मैनिपुलेटेड वन. अगर आप में से आपका परसेंटाइल 80 से कम का है कैट में और आप चाह रहे हो आपके लिए कौन सा कॉलेज सही रहेगा, नीचे जो नंबर है 9111400222 वहां पे आप अपना प्रोफाइल दैट इंक्लूड योर नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, 10-12 ग्रेजुएशन एंट्रेंस का स्कोर पूछ के पता कर सकते हो कि कौन से 20 स्कूल्स किस लोकेशन में किस स्पेशलाइजेशन में टारगेट करने हैं. माय काउंसलर टीम विल हेल्प यू आउट फाइंडिंग अ राइट 20 स्कूल. दूसरी चीज, इफ यू वांट टू कनेक्ट विद स्टूडेंट्स, बिकॉज यार लेट्स से कोई कॉलेज अच्छा है बुरा है, आई एम नो वन टू डिसाइड, यू नो हु इज द डिसाइडिंग फैक्टर, द स्टूडेंट्स. अब आप जो ऑनलाइन रिव्यूज देख रहे हो वो बहुत गिने चुने रिव्यूज हैं और वो रिव्यूज सच हैं, मैनिपुलेटेड हैं, ओवर मैनिपुलेटेड है, इसकी कोई भी श्योरिटी नहीं है. दैट व्हाट आई एम सेइंग, इफ यू वांट टू कनेक्ट विद द स्टूडेंट टू डिसाइड कि आपको ये कॉलेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, फॉर दैट ऑल्सो यू कैन रीच आउट टू द नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. पर सोच समझ के अगर आप खुद से करना चाहते हो उस प्रोफाइल के लिए कॉलेजेस देखो. कई सारे कॉलेजेस ने 80 लिख रखा है, 70 लिख रखा है, बट वो 60 में भी ले लेते हैं. तो ये भी एक और चीज़ है जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है. टॉक टू स्टूडेंट्स ऑन लिंक्डइन, दिस इज वन ऑफ द वेरी इजीएस्ट वे टू फाइंड द रियलिटी चेक. एक स्टूडेंट से बात करके कॉलेज को अच्छा या बुरा मत डिसाइड करो. कितना परसेंटेज प्लेसमेंट जाता है, किस तरह की प्रोफाइल्स आती है. लेट्स से कॉलेज का एवरेज पैकेज 9 लाख है बट मेजोरिटी ऑफ प्रोफाइल्स आर सेल्स. सेल्स है यार, कौन सेल्स जॉब करना चाहता है यार एमबीए करने के बाद. 10 लाख का पैकेज बायजू देती है, तो 10 लाख का पैकेज तो ग्रेजुएट्स वालों को भी दे रही है, पर मुझे प्रोफाइल अच्छी चाहिए यार, बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स हु डिड सेल्स का जॉब इन बायजूस नाउ वांटेड टू क्विट देयर जॉब बिकॉज यू नो दे वांट अ गुड प्रोफाइल. दैट व्हाट आई एम सेइंग, यू नो कॉलेज प्लेज इंपॉर्टेंट रोल विद डीसेंट कंपनीज कमिंग विद अच्छी प्रोफाइल्स ऑल्सो. सो यार सोच समझ के कॉलेज शॉर्टलिस्ट करो जिनके अच्छे percentile 90 plus hai. There are so many colleges, Goa Institute of Management, Wellingkar, then Somaya, Great Lakes Chennai, you know, IIMs, IITs, like so and so, so many colleges are there. Tapmi, Manipal, bahut sare colleges hai jo wo target kar sakte hai, but jinke 90 se kam hai, 80 se kam hai, un sab ka khatra badhta jata hai aur college ka selection jo hai wo difficult hota jata hai. Very important thing, do not get manipulated by people who are saying that, you know, ये कॉलेज अच्छा है जो आपको जिनको आप जानते भी नहीं हो और आप उनसे एडवाइस ले रहे हो ये कॉलेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए. तो प्लीज़ उन मैनिपुलेशन में बिल्कुल भी मत जाओ. सोच समझ के कॉलेज फाइनलाइज करो. कम परसेंटाइल है देन ऑल्सो इट्स नॉट लाइक दैट. देयर सो मेनी कॉलेजेस जो प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शन करते हैं, डिसेंट हैं, अच्छा एवरेज पैकेज है, अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलती हैं, फैकल्टीज अच्छी मिलती हैं, आप उनको टारगेट कर सकते हो. तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो. आई होप यू लाइक इट. इफ यू हैव एनी सजेशन कि मुझे कुछ
और टॉपिक्स को कवर करना चाहिए, डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स आई विल बी स्टार्टिंग द लाइव सेशन, जहां पे हर दिन आपको लाइव वीडियोस मिलेंगी स्टूडेंट खबरी पे. दो इट्स चैनल एमबीए विद आर्ची खान, बट अभी इस पे लाइव की एक्सेस नहीं मिली है. स्टूडेंट खबरी पे वी हैव ऑलमोस्ट मोर देन 1 लाख सब्सक्राइबर्स, सो वहां पे डेली लाइव आने वाली हूं मैं, जहां पे आपके सवाल मेरे जवाब. तो शुरू करेंगे हम 2021 का एमबीए का आगाज, जहां पे आपके ड्रीम बी स्कूल्स में जाने के लिए आई विल बी हेल्पिंग यू आउट. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यस डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, या ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दो इस वीडियो को. मुझसे कोई सवाल है, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है. टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट. सो दिस इज मी आर्ची खान साइनिंग ऑफ. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.